साथियों आज हम बात करते हैं भारत में ऐसे हिल स्टेशन की जो बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। साथियों आज हम बात कर रहे हैं मेघालय की। मेघालय का मतलब होता है बादलों का राजा। यह राज्य बादलों का राज्य भी कहलाया जाता है। भारत में सबसे सर्वाधिक बारिश यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ आके आप वाटरफॉल देख सकते हैं, काफी गुफाएं यहाँ पे बनी हुई है, कैंपिंग आप यहाँ कर सकते हैं, झील के अंदर बोटिंग करने की वो आपको मिल जाएगी, सभी कुछ आपको यहाँ इंजॉय करने को मिलता है। तो साथियों आप किस तरह आ सकते हैं, कहाँ आपको रुकना होगा, खाने पीने क्या सुविधा होने वाली है, सब कुछ आप इस वीडियो में जान जाएंगे। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, साथियों आपका स्वागत है मेरे चैनल टूर डी के राज पे। साथियों चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, TourDK36 मेरी आईडी है। साथियों मेघालय में हम घूमने चलते हैं शिलोंग, क्योंकि यह सबसे ज्यादा फेमस यहाँ पे जगह है, सबसे ज्यादा साथियों टूरिस्ट यहीं पे घूमने आते हैं। आपको मैं यहाँ मौसम बता दूँ किस मौसम में आपको आना चाहिए, तो मेघालय शिलोंग में आपको साथियों जून से लेके अक्टूबर के बीच आना चाहिए, जो काफी खूबसूरत मौसम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ इतने वाटरफॉल हैं, सभी मानसून के समय में यहाँ पे फुल हो जाते हैं और काफी मजा साथियों आपको इनको देखने में आएगा। चारों ओर आपको यहाँ हरियाली देखने को मिलती है और जब आप यहाँ पे घूमते हैं तो बादलों के बीचों बीच से होके आप गुजरते हैं, जो साथियों एक अलग ही वाइब आपको यहाँ के मिलती है, बहुत ही मजा आपको इन्हें देखने में आता है। यहाँ प्राकृतिक का वह सौंदर्य देख पाएंगे जो शायद आप कहीं ना देख पाए। चलिए साथियों आपको बता देते हैं आपको किस तरह आना है, फिर बात करते हैं कहाँ रुके और कहाँ घूमे। साथियों यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी ट्रेन नहीं आती है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं साथियों आपको सीधा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन आ जाना चाहिए, वहाँ से आपको बस टैक्सी या शेयर टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप सरकारी बस से जा रहे हैं तो आपको 150 से 200 रुपये लेना होगा, और प्राइवेट बस से आ रहे हैं तो एसी बस आपको 500 से 800 रुपये चार्ज करती है, शेयर टैक्सी 500 रुपये आपसे लेगी, और प्राइवेट टैक्सी बुक करके आप आ रहे हैं तो 2500 से 3000 के बीच आपको पैसा पे करना होगा, और ऊंची नीची पहाड़ियों का सफर करते हुए आप शिलोंग आ जाएंगे। और साथियों अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो फ्लाइट से आपको भी, अगर साथियों फ्लाइट द्वारा है तो फ्लाइट से भी आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट आना होगा, यहाँ से फिर आप टैक्सी बस द्वारा शिलोंग आ सकते हैं। शिलोंग पहुंचने के बाद साथियों आप सबसे पहले रूम ले लीजिए, पुलिस बाजार में आपको ये रूम मिलता है, इस बाजार का नाम पुलिस बाजार है, तो आप यहाँ पे रूम ले लीजिए। 2000 से 5000 रुपए के बीच आपको रूम मिल जाएंगे, डिपेंड करता है आप कितना हाईएस्ट लग्जरी रूम लेना पसंद करते हैं, नहीं तो साथियों आप मेन मार्केट से हटके थोड़ा रूम ले लीजिए, 1-1.5 किलोमीटर के दायरे में 500 से 1500 रुपए के बीच इजीली रूम मिल जाएंगे। और यहाँ की मार्केट में आपको हर प्रकार का खाना मिल जाएगा, जिस प्रकार का भी साथियों आप खाना खाना चाहते हैं, वेज से लेके नॉन वेज और फूड सभी कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं अपने लिए तो यहाँ पे शॉपिंग की सुविधा भी है, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। चलिए साथियों तो खाने पीने की बात हो गई, बात करते हैं आपको कहाँ घूमना है। कुछ जगहों को मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो काफी जगह घूमने के लिए है लेकिन मुख्य जगह मैं आपको बता देता हूँ। बाजार से साथियों आपको टैक्सी मिल जाएगी, चाहे तो आप पर्सनल टैक्सी बुक कर लीजिए, काफी जगहों में आपको घुमा के ले आएगा, वरना आप से टैक्सी से कुछ जगहों पे साथियों घूमने जा सकते हैं। यह ट्रिप आपकी 5 दिन की हो जाएगी, 1 दिन आपका आने और जाने में लगता है, यानी कि 2 दिन लग गए, और 2 दिन आप वहाँ रुक के अच्छे से इंजॉय कीजिए, और 1 दिन साथियों आपको यहाँ का लोकल घूमना चाहिए। शिलोंग काफी खूबसूरत हिल स्टेशन है, तो सबसे पहले साथियों हम चलते हैं शिलोंग पीक पॉइंट। ये खूबसूरत पीक पॉइंट है साथियों, यहाँ पे आपको 12 किलोमीटर की दूरी तय करके आना होगा, और यह सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ यहाँ पे पॉइंट है। यहाँ से पूरे शिलोंग का नजारा आप बेहद ही खूबसूरत देख सकते हैं, यहाँ आके आपको एक सुकून मिलता है, बहुत ही खूबसूरत नजारा आपको यहाँ देखने को मिलता है। काफी दूरी तक साथ आप मेघालय देख सकते, यहीं से ही आपको काफी झीलें भी दिख जाएंगी। और दूसरे नंबर पे बात करें तो साथी यह भी शिलोंग से 12 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, एलिफेंट फॉल्स। साथी यह झरना बहुत ही खूबसूरत है, इसका पानी इतना साफ है आपको बेहद ही पसंद आएगा, इस झरने की आवाज साथियों आपको एक मधुर संगीत की तरह सुनाई देगी। साथी वैसे तो यहाँ पे 2-3 झरने हैं, लेकिन यह एलिफेंट झरना सबसे ज्यादा फेमस है, हर कोई यहाँ घूमने जरूर आता है। तीसरे नंबर पे साथियों बात करते हैं उमियम लेक की। साथियों यह शिलोंग से 15 किलोमीटर की दूरी पे पड़ती है, इस झील पे आके साथियों आपको काफी सुंदर नजारे तो देखने को मिलते हैं, साथ ही आप यहाँ पे बोट राइडिंग भी कर सकते हैं, जिसका आपको चार्ज देना होगा, तो आप यहाँ जाके भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर साथियों और आप साइट सीन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा
दूर और जाना पड़ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है आपके टाइम और कितने दिन के लिए आप यहाँ घूमने गए हुए हैं। साथ ही काफी और जगह भी है, आप चाहे तो वहाँ घूमने जा सकते हैं, नहीं तो फिर आप एक दिन सीधा शिलोंग में ही गुजारिए। आस पास 1-2 किलोमीटर के दायरे में 5 किलोमीटर तक भी आप जा सकते हैं और जो भी कुछ म्यूजियम यहाँ पे बने हुए हैं उन्हें आप देखिए, अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ की संस्कृति का म्यूजियम आपको देखने को मिल जाएगा, भारतीय सेना का म्यूजियम आपको देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर काफी अवार्ड्स रखे हुए हैं, तो काफी कुछ साथियों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मिसालें यहाँ पे रखी हुई हैं, मेडल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जो जवान शहीद हुए हैं उनकी यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं, बहुत कुछ देखने और सीखने को आपको इस म्यूजियम के अंदर मिल जाएगा। तो साथियों आपको मेरी जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिए, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर करना साथियों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप किस राज्य से या किस शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।